गाइज वेलकम बैक, कैसे हैं आप सब दोस्तों। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पे आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होते रहते हैं। दोस्तों टिकटॉक पे कुछ वीडियो ऐसे भी रहते हैं जो अपलोड तो बहुत पहले किए जाते हैं लेकिन 1 महीने 2 महीने बाद जाके वो वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल होते हैं। गाइज टिकटॉक पे इस समय एक आत्मा वाला वीडियो काफ़ी ट्रेंडिंग में है और बहुत ही तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह का वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। मुझे कुछ पल गुर्बत के फकीर हम तेरी चाहत के। दोस्तों जो वीडियो आपने भी स्क्रीन पे देखा है, इस तरह का वीडियो आप भी बड़े आसानी से अपने स्मार्टफोन से 1 मिनट से भी कम टाइम में बना लेंगे। तो यार एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि मैं आपको सबसे आसान ट्रिक से इस तरह का वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपको अपना वीडियो कुछ इस तरह का शूट करना पड़ेगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहले आपको कुछ दोस्तों सोने की एक्टिंग करना है, उसके बाद गाइज वहाँ पे 5 सेकंड 10 सेकंड रुक के आपको दूसरा रोल करना है। वहाँ से उठ के कुछ चीखने का चिल्लाने का आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस तरह से आपने वीडियो शूट कर ली। अब आपको पता ही है आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होना चाहिए काइंड मास्टर। तो गाइज देरी नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं काइंड मास्टर में, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों काइन मास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस आइकन पे क्लिक करके 9 और 16 का यहाँ से स्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है। मीडिया ब्राउजर में जाने के बाद आपको अपने उस वीडियो को सेलेक्ट करना है जो वीडियो आपने नॉर्मल कैमरे से शूट किया था, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। दोस्तों मैंने वीडियो काफ़ी लंबी शूट कर लिया था तो मैं यहाँ से पहले वीडियो को कटिंग कर लेता हूँ। मैं वीडियो को दोस्तों यहीं से रखने वाला हूँ, तो वीडियो को यहाँ से कैंची पर जाएंगे, ट्रिम टू लैपटॉप प्लेहेड करके काट देंगे, उसके बाद यहां से ओके करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को आपको सबसे पहले यहां से साउंड को बंद कर देना है ताकि बाद में आप इसमें साउंड ऐड कर सकें, उसके बाद यहां से ओके करेंगे। गाइस जितना आपको वीडियो को रखना है 5 सेकंड 10 सेकंड, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं, जितना टाइम आप शांति से बैठे रहते हैं उतना वीडियो को दोस्तों आपको पहले कटिंग कर लेना है। तो गाइस यहां पे आप देख सकते हैं मुझे वीडियो इतना ही चाहिए, तो यहीं से कैंची पे जाएंगे, स्प्लिट एट प्लेहेड करके काट देंगे। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो को आपको यहां से डिलीट के नीचे 3 डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट करना है। तो गाइज ये वीडियो यहां पे डबल हो जाएगा। नीचे वाली वीडियो को दोस्तों आपको इस तरह से स्लाइड करके खींचते हुए स्टार्टिंग पोजीशन पर लेके आ जाना है। नीचे वाली वीडियो को एक बार और सेलेक्ट करेंगे, स्क्रीन पर जाएंगे, फुल स्क्रीन करेंगे, उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। दोस्तों यहाँ पर पहला वीडियो जो है वो अभी नहीं दिखेगा, नीचे वाले वीडियो को आपको सेलेक्ट करना है। उसको दिखाने के लिए दोस्तों आपको जाना है अल्फा ओपेसिटी में। यहाँ से दोस्तों आप इस वीडियो के अल्फा ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं गाइस, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों दोनों वीडियो यहाँ पे आपका दिखने लगेगा। इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से डिलीट करेंगे, वीडियो को स्टार्टिंग पोजिशन पर ला के आपको सबसे पहले साउंड इफेक्ट को ऐड करना है। साउंड वाले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है, जैसा कि यहां पे आप देख सकते हैं। वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद आपको कैंची पर जाना है, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करेंगे, यहां से डिलीट करेंगे तो नीचे आपके वीडियो में साउंड इफेक्ट आ जाएगा। दोस्तों यहां से आपको सेटिंग में जाना है, ऑडियो फेड आउट को बंद करेंगे, उसके बाद यहां से ओके करेंगे। दोस्तों यहां पे आपका वीडियो कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं। जैसा कि गाइज यहां पे आप देख सकते हैं हमारा वीडियो दोस्तों बहुत ही आसानी से 1 क्लिक के अंदर बन चुका है। तो इस तरह से आप भी अपने वीडियो को बना सकते हैं। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए आपको शेयर बटन पर क्लिक करना है, 720 और 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे।